हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है माय प्रोजेक्ट एच डी पर। फ्रेंड्स, समय से हमारे हॉस्टल मैनेजमेंट सिस्टम की टूटोसी चल रही है नेक्स्ट जेनरेशन लारावेल के करते हुए, तो आई से हम कंटिन्यू करते हैं। हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में साइनअप के लिए एपीआई बनाई थी, आज हम लॉगिन के लिए एपीआई बनाएंगे। सबसे पहले हमारी साइनअप वाली एपीआई देख लेते हैं, जिसका कोड हमने किया था एपीआई कंट्रोलर में। और एपीआई कंट्रोलर में जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये साइनअप का कोड है। यहाँ पर हमने ये फंक्शन बनाया था और साइनअप का कोड किया था। आज हम एक और एपीआई बनाएंगे लॉगिन की, देन उसके बाद हम इन दोनों एपीआई को नेक्स्ट जेएस में इंप्लीमेंट करेंगे। तो नई एपीआई बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे, इसमें हम लिखेंगे पब्लिक फंक्शन लॉगिन, एंड इसके अंदर हम बनाएंगे एक रेफरेंस वेरिएबल जो होगा रिक्वेस्ट का। यहाँ पर देंगे हम डॉलर रिक्वेस्ट, देन उसके बाद हमें लगानी होगी वैलिडेशन, जिसके लिए यूज़ करा है हमने वैलिडेटर। ये वैलिडेटर है जिसे हमने टॉप पर इंपोर्ट किया है, यहाँ पर हमने इसे इंपोर्ट किया है। इसी का यूज़ करते हुए हम वैलिडेशन लगाएंगे कि अगर डेटा होगा तभी हमारे कोड एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एरर शो होगी। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं वैलिडेटर इक्वल्स टू वैलिडेटर, वैलिडेटर कॉलन कॉलन मेक, देन यहाँ पर हम लिखेंगे रिक्वेस्ट ऑल, देन इसके बाद हम हमारे पैरामीटर देंगे, जिसमें पहला पैरामीटर होगा हमारा ईमेल, और ईमेल को हम रखेंगे रिक्वायर्ड, देन सेकेंड पैरामीटर होगा पासवर्ड, एंड इसे भी हम रखते हैं रिक्वायर्ड। देन इसके बाद हम हमारी इस वैलिडेटर को एग्जीक्यूट करेंगे। इसके लिए यहाँ पे लिखते हैं इफ वैलिडेटर पास होता है अगर, तो हमारा इफ ब्लॉक चलेगा, अदरवाइज फेल होने पर हमारा एल्स ब्लॉक चलेगा। और यहाँ पर हम एक एरे वेरिएबल बनाते हैं जिसके अंदर हम लिखते हैं स्टेटस फॉल्स मैसेज, हम देंगे डॉलर वैलिडेटर के अंदर एरर्स ऑल, रिटर्न कर देंगे। देन अगर हमारी वैलिडेशन पास होती है तो हम यूज़र मॉडल से डेटा फेच करेंगे, और यहाँ पर हम चेक करते हैं यूज़र इन्फो, देन यहाँ पर हम लिखेंगे वेयर ईमेल, वो होगी जो रिक्वेस्ट के अंदर जो ईमेल है, देन पासवर्ड जो रिक्वेस्ट के अंदर पासवर्ड है वो अगर होता है तो हम करते हैं गेट फर्स्ट। देन इसके बाद यहाँ पर हम लगाते हैं इफ, अगर हमारे इसके अंदर डेटा होता है तो यहाँ पर हम करते हैं एक एरे वेरिएबल बनाएंगे, देन इसके अंदर हम पास कर देते हैं स्टेटस ट्रू मैसेज सक्सेस, देन डेटा के अंदर हम पास करते हैं यूज़र इन्फो, एंड एल्स ब्लॉक में आते हैं हम। यहाँ पर हम एक वेरिएबल बनाते हैं एआरआर और उसके अंदर एरे पास करेंगे, जहाँ पर होगा स्टेटस फॉल्स देन मैसेज होगा ईमेल एंड पासवर्ड नॉट मैच। देन इसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं एको जेसन इनकोड, और यहाँ पे हम पास कर देते हैं डॉलर ARR, देन सेव। एंड सेव करने के बाद हमें इसकी करनी होगी राउटिंग। राउटिंग के लिए हम जाएंगे हमारी राउट्स फाइल में, जो हमें मिलेगी यहाँ पर API.php में राउट्स फोल्डर के अंदर,
हम साइनअप का ही राउट का डुप्लीकेट राउट बनाएंगे, देन उसके अंदर हम डेटा चेंज करेंगे, जिसमें यहाँ पर हमें साइनअप की जगह लिखना होगा लॉग इन, देन यहाँ पर हमें लिखना होगा हमारे फंक्शन का नाम जो है लॉग इन, देन यहाँ पर हम लिखते हैं लॉग इन, एंड सेव करते हैं। सेव सेव करने के बाद हम देखते हैं हमारे टर्मिनल पर कोई एरर तो नहीं है, तो देखिए हमारा टर्मिनल एकदम फ्रेश है, मतलब कोई एरर नहीं है। हमें यहाँ पर यूआरएल मिल रहा है जिसका यूज़ करते हुए हमारी एपीआई को हम यूज़ करेंगे, तो एपीआई को यूज़ करने के लिए हम ओपन करते हैं पोस्टमैन, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ पोस्टमैन और इसे हम ओपन करते हैं। देन हमारी राउट का नाम कॉपी कर लेते हैं, हमें पोस्टमैन ने पेस्ट करना होगा, इसे लोड हो रहा पोस्टमैन, और लिंक ट्रांसफर हो चुका है ओपन, इसे हम बंद करते हैं, देन इसे भी हम करेंगे बंद। और यहाँ पर हमें लिखना होगा, हम इसे स्क्रॉल कर लेते हैं, जो हमारी एपीआई है देन यहाँ पर हम लिख देते हैं लॉग इन, देन बॉडी के अंदर हमें पैरामीटर देना होंगे, तो हमारे दो पैरामीटर की हमें ज़रूरत है, इन्हें अदर पैरामीटर को हटा देते हैं, हमें केवल ईमेल और पासवर्ड की ज़रूरत है, तो हम इन ईमेल और पासवर्ड यूज़ करते हुए चेक करते हैं। हम जब सेंड करेंगे यहाँ पर हमें रिस्पॉन्स होगा, मैं सिस्टम स्लो है इस कारण थोड़ी सी लेट रिस्पॉन्स आता है यहाँ पर, देन देखिए ये रिस्पॉन्स आ चुका है, यहाँ पर हमें स्टेटस ट्रू मिल चुका है, देन मैसेज सक्सेस है, देन साथ साथ हमें यहाँ पर पूरी यूज़र की इन्फॉर्मेशन मिल रही है, एंड अगर हम कुछ भी इन्फॉर्मेशन गलत दे देते हैं यहाँ पर और सेंड करते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर आ रहा है ईमेल एंड पासवर्ड नॉट मैच, एंड अगर हम दोनों ही फील्ड को कर देते हैं ब्लैंक देन अगेन सेंड करते हैं, तो देखिए यहाँ पर आ रहा है हमारे रिक्वायर्ड फील्ड से रिलेटेड वैलिडेशन, जिसमें हमारे पास मैसेज है द ईमेल फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, द पासवर्ड फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, एंड अगर हम इसे दोनों को इनेबल करते हैं देन अगेन सेंड करते हैं, तो यहाँ पर हमें मैसेज शो हो रहा है ईमेल एंड पासवर्ड नॉट मैच, और अगर हम यहाँ पर वैल्यू सही पास करते हैं एंड सेंड करेंगे, तो ये देखिए यहाँ पर हमारा सक्सेस रिस्पॉन्स आ चुका है, जिसके अंदर ट्रू है और यहाँ पर यूज़र की इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी लॉगिन एंड साइनअप की एपीआई कंप्लीट हो चुकी है, अब हम हमारे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इन दोनों एपीआई को हमारे फ्रंट एंड में इंप्लीमेंट करेंगे, हम लॉगिन एंड साइनअप पेज बनाएंगे, देन उसके बाद इन एपीआईस को हमारे फ्रंट एंड में इंप्लीमेंट करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी की वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे और भी डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, आपको मेरी वेबसाइट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।